परिवहन निगम ने पर्यटकों को राहत पहुंचाने के लिए सिकंदरा से रुनकता होते हुए फतेहपुर सीकरी के लिए बस सेवा का शुभारंभ किया है। क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल के प्रयासों से फतेहपुर सीकरी के विधानसभा से 3 रूटों पर बसों का संचालन हुआ प्रारंभ। ISBT से प्रारंभ होकर सिकंदरा रुनकता होते हुए पहुंचेगी फतेहपुर सीकरी। वहीं दूसरी ओर ईदगाह से किरावली और दाऊदपुरा के लिए संचालित की जा रही है ये 2 बसें। विभाग के सहयोग से जनता को यहाँ से ईदगाह से लेकर के रावली होते हुए ओडेला दाऊदपुर के लिए बच जाएगी और ऐसे ही ISBT से रुकता होती हुई तिरावली तिरावली के बच्चे बचेगी। ये बस का संचालन होने के बाद जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। पहले आगरा से 22 नंबर बस चला करती थी सिटी बस रुकता था, उसमें बहुत सवारियाँ निकलती थी, पता नहीं किन कारणों से बंद हो गई वो। आज जनता इतनी परेशान है, उसमें आपके टेम्पो या उसमें प्राइवेट वाहनों से जाती है, जनता बहुत परेशान है। ये तो जितने से हम लोग विधायक बने उतने से ही आपके बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क करके मुझे इन बसों को चल करा जाए, जिससे जनता को सुविधा मिल जाए। तो हम आपके परिवहन विभाग के बहुत आभारी हैं, उन्होंने आज शुरुआत करा रहे हैं और जनता को इसका लाभ भी मिला है। क्योंकि हमारे यहाँ बस चलती थी दाऊदपुर के लिए, आगरा से फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी से दाऊदपुर, दाऊदपुर में उसका नाइट होल्ड होता था, लेकिन बहुत दिनों से वो बस सेवा बंद थी और लगभग मैं समझ रहा हूँ 4-5 साल से वो सेवा बंद थी। कोरोना काल में तो बिल्कुल ही बंद रही। तो ये माननीय विधायक जी के प्रयास से शुरू हुई है, आर एन साहब ने शुरू कराई है। और दूसरा, एक अच्छी राह पर कोई बस हमारी नहीं निकलती थी, तो अच्छी का जो बस स्टैंड है उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय है, तो उसके लिए भी आर एन साहब ने कहा है उसके लिए एक बस रुनकता से और इधर से शुरू करा दिए। तो ये ऐसे दोनों रूटों पर 2-2 बसें संचालित कराई हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी तो उसके हिसाब से और बसों की संख्या बढ़ेगी और जो नए रूट हैं, जो सुझाव आर एन साहब को दिए हैं माननीय विधायक जी ने, उन पर भी जल्दी बसों का संचालन शुरू होगा।